हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइंड योर वे। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टर्स, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज के बारे में जानेंगे। इसे मैंने थ्री आईज का नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं ये तीनों के टर्म एंड इनके काम क्या है। इन्वेस्टर्स बेसिकली इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है और उस फंड का यूज़ वो सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए करते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? सिक्योरिटीज़ बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये सब रेज करती हैं ताकि फ़ंड रेज करने के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कन्वर्ट देयर सरप्लस फंड्स एंड सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल असेट्स दैट अर्न अ रिटर्न। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं ऑन देयर पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स 5,000 रुपये अपने मनी से सेव, हर सैलरी से सेव करते हैं एवरी मंथ और म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाई करते हैं, तो उन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और वहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल्स है कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन ट्रस्ट एंड फंड्स, एसोसिएशन, इंडोमेंट सोसाइटी और अदर सच ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है और वो उस फंड्स को इन्वेस्ट करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ICICI म्यूचुअल फंड अगर 50,000 से रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेती हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। नेक्स्ट है इशूअर्स। इशूअर्स क्या होते हैं? इशूअर्स बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दैट रेज मनी बाय इशूइंग सिक्योरिटीज, जो कि मनी रेज करती हैं बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। एंड इशूअर्स को शॉर्ट टर्म नीड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म नीड भी हो सकता है, एंड दे इशू सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन देयर नीड एंड देयर एबिलिटी टू मीट द ऑब्लीगेशन टू द इन्वेस्टर्स एंड द कॉस्ट दे आर विलिंग टू पे फॉर द यूज ऑफ द फंड। इन्वेस्टर्स, इशूअर्स और इंटरमीडिएट, ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है। तो इशूअर्स को शॉर्ट टर्म नीड और लॉन्ग टर्म नीड के हिसाब से वो अपना फंड रेज करते हैं, अपना सिक्योरिटीज बाई इशू, सिक्योरिटीज़ को इशू करके, और वो देख लेते हैं क्या वो ऑब्लिगेशन मीट कर पाएंगे कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने के लिए, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को ऑथराइज्ड होना होता है अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज से टू रेज मनी इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। फॉलोइंग ये कॉमन इशूअर्स कुछ इशूअर्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कंपनीज हो गए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। कंपनीज कैसे रेज करती? कंपनीज इशू सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इशू डेट सिक्योरिटीज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टू फाइनेंस देयर डेफिसिट। डेब्ट सिक्योरिटी क्या होता है? डेब्ट सिक्योरिटी रिफर्स टू मनी बोरोड दैट मस्ट बी रिपेड एंड दैट हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट, अ मेच्योरिटी डेट एंड यूजुअली अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर। तो ये दो टर्म्स से मैंने समझा कि जैसे कंपनीज जो होती है, कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही सिक्योरिटी रेज करती है फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर डेब्ट सिक्योरिटीज इशू करती हैं टू मीट देयर रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टू फाइनेंस देयर डेफिसिट। और डेब्ट सिक्योरिटी जो होती है वो उसका फिक्स्ड अमाउंट होता है, मस्ट बी रिपेड एंड दैट इज़ उसका फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है और एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। इसके एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे। ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटीज मे इशू डेब्ट सिक्योरिटीज टू मीट देयर डेवलपमेंट नीड्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी डू नॉट इशू इक्विटी सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स मे इशू डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी फॉर देयर कैपिटल नीड्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक भी डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटी दोनों ही रेज कर सकती है बियॉन्ड देयर नॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब जो कि उसे डिपॉजिट और गवर्नमेंट ग्रांट से मिलता है उसके अलावा। पब्लिक सेक्टर कंपनीज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट मे इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक इन्वेस्टर्स एज अ पार्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के केस में थोड़ा सा अलग है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं एज अ पार्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू ऑफर इट्स होल्डिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज टू पब्लिक इन्वेस्टर्स, इसको हम ये समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसका डिस इन्वेस्टमेंट मतलब उसका कुछ शेयर वो मार्केट में सेल कर सकती हैं, तो उसके थ्रू वो रेज कर सकती हैं अपना सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इशू यूनिट्स ऑफ ए स्कीम टू इन्वेस्टर्स टू मोबिलाइज मनी एंड इन्वेस्ट देम ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में इशू करती हैं अपना सिक्योरिटी ताकि वो मोबिलाइज कर सकते हैं मनी और इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट देम ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज।
नेक्स्ट टर्म है हमारा इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट्स आर एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज बिटवीन देम। इंटरमीडियरीज जो है वो एजेंट की तरह काम करते हैं इन्वेस्टर्स और इशूअर्स के बीच में, और वो ऑर्गेनाइज करते हैं कैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स और सिक्योरिटी हो सके। अकॉर्डिंग टू सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस 2008, फॉलोइंग आर द इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008 के हिसाब से ये आने वाले जो नेम है ये सारे इंटरमीडियरीज कहलाते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के। असेट मैनेजमेंट कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडररराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, क्लियरिंग मेंबर ऑफ ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और हाउस, ट्रेडिंग मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, बैंकर्स टू एन इशू, रजिस्ट्रार ऑफ एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन सारे ही टर्म को मैं आने वाले वीडियोज में अपलोड कर दूंगी। सो फॉर मोर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव लाइक द कॉन्टेंट देन Please like and subscribe my channel. Thank you.